सामने ये समस्या आई कि हमें कुछ खास तरह के नॉन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी, कुछ खास तरह के मिक्सर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि नैनो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपस में मिक्स करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, पारे के बारे में सब जानते हैं। पारे को कहा जाता है कि उसको किसी चीज में मिक्स करना या सॉलिड करना बड़ा मुश्किल होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसके लिए खास प्रक्रिया की, खास टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे मिनरल और वाइटामिन पाए जाते हैं कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में उनको मिक्सअप करने की कोशिश करोगे या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे या टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाते। इसीलिए कंपनी ने, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो मिक्सर्स है नॉर्मल मिक्सर्स नहीं है, ये हमारी ही कंपनी के द्वारा डिजाइन किए गए कुछ खास तरह के मिक्सर्स हैं। और नॉन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, नॉन स्टैंडर्ड क्या, यानी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट तो सब जगह मिलते हैं दुनिया के अंदर, जो नॉर्मल मशीनें काम में लाई जाती हैं अलग अलग फार्मा इंडस्ट्री में, लेकिन जो वहां उपलब्ध नहीं है, जो और दुनिया की दूसरी कंपनियां नहीं बनाती, ऐसे नॉन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हमारी कंपनी ने डिजाइन किए। और आज ये कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी आर्टलाइफ टेक्नो, इतना विस्तार पा चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि ना ये सिर्फ कंपनी आर्टलाइफ के लिए मशीनें बनाती है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी फार्मा कंपनियों को भी मशीनें बनाकर सप्लाई करती है। दोस्तों, हमारे पास वर्ल्ड क्लास लेवल की लेबोरेटरीज है। रशिया के अंदर कंपनी आर्टलाइफ के पास जिस तरह का रिसर्च और डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, जिस तरह की लैब्स हैं, पूरे रशिया फेडरेशन के अंदर और किसी दूसरी कंपनी के पास उस तरह की लैब्स नहीं है। हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स हैं, फिजियोकेमिकल लैब्स हैं, इसमें बकायदा साइबेरियन मेडिकल यूनिवर्सिटी और सीचनोवा मेडिकल